नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। इस कार्यक्रम के माध्यम से हर बार हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको कृषि के क्षेत्र से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां मिल सकें। तो आइए आपको बता दें कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय रहने वाला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल। जी हाँ, आपने आज के इस विषय से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं योजना का सार। बच्चों, मिट्टी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लाखों सूक्ष्म जीव भी मिट्टी में निवास करते हैं और हम जो भी खाते हैं वो मिट्टी से ही तो आता है, जैसे फल, सब्जियां, फसलें इत्यादि। स्वस्थ मिट्टी से जहाँ पौधों, वृक्षों और फसलों को पोषण मिलता है, वहीं अच्छे पोषण से हम भी स्वस्थ रहते हैं। वहीं खराब मिट्टी के स्वाद से हमारी जैव विविधता और कृषि जलवायु भी सीधे प्रभावित होती हैं। मिट्टी स्वस्थ है या नहीं, उसके लिए हम मिट्टी के विभिन्न पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने बच्चों को मिट्टी के स्वास्थ्य का महत्व समझाने के लिए स्कूल सॉइल हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों, मिट्टी के परीक्षण के बाद भारत सरकार किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड देती है। ये एक विशेष प्रकार का कार्ड होता है जिसमें मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ होती हैं। ये आपकी मिट्टी के 12 पैरामीटर्स की मापदंड करके उसमें पोषक तत्वों की मात्रा, मिट्टी की बनावट, पीएच स्तर और उत्पादकता से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों के बारे में बताता है। के उपयोग की जानकारी देकर हम अपने परिवारों को और किसानों को सतत स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। ये था आज का योजना का सार। इसके साथ ही कार्यक्रम सरकार आपके साथ में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। राम राम साहब, मैं हूं आपके साथ हैदर जेदी और किसान पक्ष मंच की टीम आज कहां पहुंची है? सांवला में हम राजस्थान में अजमेर में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब आइए चलते हैं किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल की और आइए अब यहाँ पर जो है वो बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वंदना हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर वंदना, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी शुरुआत जो है वो क्यों की गई? देखिए कि जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि सॉयल हेल्थ कार्ड जो योजना कृषि मंत्रालय ने चलाई है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है और कि देश के सभी किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किया जा चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि इस पोर्टल की क्या आवश्यकता है? तो देखिए, देश इतना बड़ा है और जगह जगह की मिट्टियाँ एकदम भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, उनकी उर्वरता अलग अलग है और हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबको एक सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। तो ये सारा जो डाटा है, ये पूरा आंकड़े हैं, वो कहाँ रखे जाएँ? तो और उन आंकड़ों को हमारे वैज्ञानिक कैसे देख सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, या हमारे किसान भाई, मान लीजिए उनका सॉयल हेल्थ कार्ड खो गया है तो दोबारा कैसे जनरेट किया जा सकता है, या उन्होंने अपने खेत में कोई फसल बदल दी है तो दूसरा जो फसल ले रहे हैं उसमें कैसे उर्वरकों का प्रबंध करें, इन सब की
आवश्यकताओं के लिए और सभी जो हमारे राज्य हैं उन पे उन्हां के अधिकारियों को भी इसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जाए, इस उद्देश्य से ये सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल बनाया गया है और इसका नवीनीकरण भी किया गया है। जी बिल्कुल, और जैसे कि अभी आपने यहाँ पर बताया कि ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड पोर्टल जो बनाया गया है, आजकल क्या होता है ना कि जैसे स्कूल का जो विद्यालय का जो लेवल होता है, विद्यालय वाला जो स्तर होता है, उसमें भी अब बच्चों को कृषि के संबंध में काफ़ी विशेष जानकारियाँ डॉक्टर वंदना यहाँ पर दी जाती हैं। तो अगर हम बात करें इस पोर्टल के संदर्भ में, तो स्कूल के बच्चों को किस तरीके से ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को लेकर शिक्षित किया जा रहा है? देखिए, एक तो जो पोर्टल है सॉयल हेल्थ का जो गवर्नमेंट का पोर्टल है कृषि मंत्रालय का, उसमें सभी जानकारियां इस स्कीम से संबंधित दी हुई हैं। चाहे उसमें कोई नया ऑर्डर निकला हो या हमने कोई कैसे विश्लेषण करना है इसके बारे में, या कितने देश में सैंपल हो चुके हैं, कहाँ कहाँ के केंद्रीय विद्यालय इसमें संलग्न, इन सब जानकारियाँ उसमें एकदम सेकंड्स में मिल जाती हैं। इस पोर्टल में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब सवाल होता है कि देखिए, हमारे देश के जो बच्चे हैं जो शिक्षा पा रहे हैं, इनको अगर हमारी मिट्टी के बारे में, अपने खेत की मिट्टी के बारे में, देश की मिट्टी के बारे में, उनकी उर्वरता के बारे में नहीं पता होगा, तो वो उसका संरक्षण कैसे करेंगे? क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और बच्चे को बचपन से ही अगर ये बात पता हो, वैसे तो चूंकि कृषि प्रधान है तो बहुत से बच्चे तो हमारे गांव से ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में अगर पता होगा तो वो मिट्टी की स्वास्थ्य की रक्षा करने में अपना एक अहम योगदान देंगे आगे चल के। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जनवरी 2024 से इसको शुरू किया गया है कि देश के जो हमारे स्कूल हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हैं या दूसरे स्कूल हैं या हमारे KVK हैं या सर्वोदय विद्यालय हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उन सब में बच्चों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसमें ऐसा किया गया है कि कम से कम 1000 मिट्टी की जांच की प्रयोगशालाएं इन स्कूलों में लगाई जाएंगी और बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बच्चों को प्रशिक्षण से पहले उनकी टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें राज्य की सरकारों को भी उस अपने राज्य के स्कूलों के लिए जानकारी दी जाएगी। तो बिल्कुल डॉक्टर वंदना, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, साथ ही आपने ये भी बताया कि जो स्कूल के अंदर बच्चों के लिए जो प्रयोगशालाएं हैं वो तैयार यहाँ पर की जाएंगी। तो उन प्रयोगशाला के अंदर जो प्रशिक्षण देने आएंगे कि वो क्या हमारे जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो ये तमाम प्रशिक्षण जो है वो बच्चों और जो टीचर्स हैं उनको देंगे, इसके बारे में क्या? देखिए, ये जो स्कूलों के बच्चों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, इसका एक स्टेप बाय स्टेप एक तरह का प्रोग्राम बनाया गया है कि उन स्कूलों की जो हर प्रदेश में या जिले में स्कूल हैं उनकी क्लबिंग करेंगे, उसमें हमारे स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक अधिकारी भी होगा और शिक्षा विभाग के भी अधिकारी होंगे, साथ में वो टीचरें भी होंगी जो इसको लेना चाह रहे हैं जिस स्कूल में। तो वहाँ के बच्चों के लिए एक लैब बनाई जाएगी और उस लैब की इस्टेब्लिश करने में जो हमारी प्रयोगशालाएँ हैं, जो मिनी प्रयोगशालाएँ हैं, उनके जो उत्पादनकर्ता हैं वो वहाँ पे उसको सेटअप कराएंगे और वही उनका प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम कराएंगे। जी बिल्कुल, और इसमें अगर हम बात करें जो हमारी महिलाएं हैं उनका किस तरीके से इसके अंदर योगदान हो सकता है, या फिर अगर कहें जो हमारी कृषि सखी अभिसरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो अगर हमारी महिलाएं जो हैं जो कृषि के क्षेत्र में कार्यरत हैं वो अगर प्रशिक्षण लेना चाहें तो क्या कुछ कर सकती हैं? देखिए, ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड की का प्रोग्राम है, इसमें बहुत पहले से ही जो हमारे एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम है उसके अंतर्गत कृषि सखी होती हैं और वो विभिन्न कृषि के कार्यक्रमों को संपादित कराती हैं किसानों के घर घर जाके, उनको समूह में इकट्ठा करके। तो ये देखा गया कि ये चूंकि ऑलरेडी इतनी कृषि सखी हर उसमें है, हर जिले में, हर राज्य में है, तो उनका कैसे उनकी भी सहभागिता के साथ उनको ट्रेन किया जाए। तो हमारे राज्य सरकार के जो कृषि विभाग है वो इनको ट्रेन करते हैं, साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो, अब चूंकि कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में उपस्थित हैं, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर उन कृषि सखियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो किसानों के घरों में जाकर और उनके जब खाली समय है किसानों के पास उसमें जाके उनको मृदा स्वास्थ्य के बारे में बता सकें और कैसे वो अपने मिट्टी की जांच कराएं और सही उर्वरकों का इस्तेमाल करके कैसे वो किसानों की आमदनी बढ़ाएं, इसमें मदद कर सकती हैं।
बिल्कुल, अगर हम बात करें प्रचार प्रसार की, तो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को लेकर किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और किस तरीके की जानकारी आप इसमें देना चाहेंगे? देखिए, ये जो पोर्टल आने से बहुत बहुत सुविधा है सभी राज्य सरकारों को, सभी केंद्र के अधिकारियों को, इवन हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के उनको भी है, क्योंकि बच्चे आजकल कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो देख सकते हैं उसमें कि वो उसमें लॉग इन करने के बाद वो सब देख सकते हैं कि देश में कैसी चल रही है ये प्रोग्राम और कितने सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, कितने नमूने लिए जा चुके हैं, यदि नमूना लेना है तो कब लेना है, कैसे लेना है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मुख्य रबी और खरीफ की फसलें हैं, जायद की भी फसल होती है, तो वो कौन सा समय है कि जैसे मई के मध्य में हम ले सकते हैं सब नमूने या नवंबर में ले सकते हैं बुआई से पहले, तो ये सारी जानकारियाँ उस पोर्टल के माध्यम से हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि एक ऐप भी बनाई गई है और उस ऐप के माध्यम से चूँकि ये जो सारा डाटा एक कंप्यूटर में स्टोर होता है, पोर्टल के अंदर स्टोर होता है, तो वहाँ की जो लैट लॉन्ग है यानी GIs है वो सारी चीज़ें डिटेल मिल जाती हैं और इस ऐप की मदद से हम वापस उसी खेत में उसी किसान के खेत में तुरंत पहुंच सकते हैं उस लैट लॉन्ग को देख के। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इससे हमारे देश के वैज्ञानिकों को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि जैसा कि हमारी समय की तो पोषक तत्व प्रबंधन तो चल रहा है लेकिन फिर भी किसान ज़्यादातर रासायनिक उर्वरकों का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वो कैसे उर्वरकों का, खादों का इस्तेमाल करके या जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके और बाकी उसमें जो हमारे महंगे रासायनिक उर्वरक है उनका इस्तेमाल करें तो उससे लागत भी कम होगी और जो देश में जितना भी खेती के बाद जो कचरा वेस्ट बच जाता है उसको वहीं कंपोस्टिंग करके किसान भाई अपने खेत में इस्तेमाल कर सकती है। ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं पोर्टल के माध्यम से। जी, जैसे कि हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनको भी इसके बारे में जो है वो सिखाया जाएगा किस तरीके से मृदा की जाँच करें, स्कूलों में प्रयोगशालाएँ जो है वो खोली जाएंगी। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें कि कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक के बच्चों के लिए ये प्रयोगशालाएं जो है वो खोली जा रही हैं या फिर कौन सी उम्र के बच्चों को ये सैंपल लेना सिखाया जाएगा या टेस्टिंग करना सिखाया जाएगा, क्या ये कोई उम्र भी तय की गई है बच्चों की? नहीं, ऐसी खास उम्र तो नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ना लिखना समझना आना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर भी आना चाहिए। कहने का मतलब है कि 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं तक के बच्चे इसमें शामिल हो जाए ज़्यादा अच्छा है, और उससे क्या होगा कि वो स्वयं इसकी जानकारी पोर्टल से भी लेंगे, ऐप से भी ले सकते हैं, और जो उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके माध्यम से वो सीखते भी हैं। और फिर उसके बाद एक और अच्छी व्यवस्था ये है कि जब उन्होंने सैंपल लिए तो उनको बताया गया कैसे नमूना लेना है खेत में जाकर किसानों के खेत में, फिर उसके कैसे अपलोड करना है पोर्टल में उसका किसान का डाटा और कौन सी फसल लेना चाहता है, फिर ये सैंपल जाएगा और वो लैब में उनकी टीचर मदद करेंगी बच्चों के उनको प्रशिक्षण के बाद लेने के बाद में, वो टेस्टिंग करने के बाद फिर पोर्टल में इसको अपडेट किया जाएगा। वो डाटा आने के बाद फिर जो सॉयल हेल्थ कार्ड जनरेट होगा तो जो हमारे ये ग्राम प्रधान हैं या वहाँ उनके संपर्क में आकर किसानों को इकट्ठा करके और बच्चों के माध्यम से वो सॉयल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा और बच्चे वहाँ बताएंगे कि इसकी क्या उपयोगिता है। तो मुझे लगता है कि ये एक भावनात्मक पहलू भी है और बच्चे चूँकि बचपन से ही इस चीज़ में शामिल होंगे तो वो पूरी ताउम्र तक वो अपने इस मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहेंगे। बिल्कुल, तो पहल तो यहाँ पर आपने जैसे कि बताया पहल ये बहुत अच्छी है, लेकिन जब बात आती है किसानों की, अगर हम उनके नज़रिए से भी बात करें क्योंकि वो अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हैं और कृषि विशेषज्ञों के ऊपर भी उनको बहुत भरोसा होता है, तो ऐसे में अगर बच्चे मृदा की जाँच करेंगे तो क्या इसको क्रॉस चेक भी विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा? बच्चे आप तो देखते हैं कितने विज्ञान के कितने चमत्कार करते हैं छोटी उम्र से ही होनहार बच्चे, जब उनको प्रशिक्षण मिलेगा और जो हमारी प्रयोगशालाएं हैं उसमें सैंपल बनाने का तरीका है, फिर वो जो कैपलरी लगी होती है उसमें सैंपल नीचे रख देते हैं तैयार करने के बाद में, तो वो खुद अपनी रीडिंग बताता है, इस तरह का पोर्टल है, और रीडिंग बताने के बाद वो सारा डाटा वो अपलोड हो करता है क्योंकि उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने पोर्टल के माध्यम से, तो वो उसे मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, सिर्फ सैंपल तैयार करना होता है। जैसे कि हम फिजिकल टेस्टिंग करते थे कि टेस्ट ट्यूब में डालो केमिकल डालो, ये सारी इस तरह का नहीं है, वो जो केमिकल रेडीमेड होते हैं आप खोलते जाइए और उसमें डालिए सैंपल में और उस पर्टिकुलर जो भी टेस्ट करना है वो उसमें रीडिंग कर लेता है हमारा इंस्ट्रूमेंट।
बिल्कुल, तो बच्चों के भविष्य के लिए भी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ अभी से जो है वो तैयार की गई है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल, जिसमें बच्चों के लिए प्रयोगशालाएं जो है वो स्कूल में तैयार की जाएंगी और बच्चों को किस तरीके से मिट्टी का नमूना लेना है, कैसे उसकी जांच करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर वंदना, ये कहा जा सकता है कि क्या ये जो हमारे बच्चे हैं उनके आगे के करियर के लिए भी क्या इसमें रास्ते खुल जाते हैं? देखिए, करियर के लिए रास्ते भी खुलते हैं, क्योंकि बच्चों का एक रुझान हो जाता है, वो कृषि में भी जाने का उनको एक रुझान हो सकता है, उनको आगे साइंस केमिस्ट्री सॉइल साइंस पढ़ने का रुझान हो सकता है। तो ये बच्चों को जब बचपन से ही कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उनको एक उसका एक कहने चाहिए भावनात्मक भी उससे लगाव हो जाता है और उस विषय को और ज़्यादा जानने की भी कोशिश करते हैं कि भाई हम क्यों मिट्टी की जाँच कर रहे हैं, क्या कारण है, या हम धरती माता के बारे में इतना सुनते हैं, ये किस तरह से हमारी ये रंग बिरंगे फूल निकल आते हैं मिट्टी से, अच्छी अच्छी फसलें आती हैं और सब्जियां मिलती हैं, तो ये सब कैसे मिल रही हैं, ये और अच्छी कैसे मिले, तो बच्चे जाहिर है कि जाएंगे ज़रूर। बिल्कुल, तो जैसे कि आप यहाँ पर तमाम बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दे रही हैं, साथ ही इस वक्त कई बच्चे जो है वो हमारा कार्यक्रम देख भी रहे होंगे और इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय के संबंध में काफ़ी अच्छी जानकारियाँ भी हासिल कर रहे होंगे, तो क्या आप इसके अंदर थोड़ी ये जानकारी जोड़ सकती हैं, क्या नमूने लेने की प्रक्रिया भी बच्चों को उसके अंदर सिखाई जाएगी? बिल्कुल सिखाई जाएगी, क्योंकि नमूना तो पहला स्टेप है, अगर सही नमूना नहीं है, सही खेत को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको दर्शाता नहीं है कि ये किस खास खेत का लिया गया है, तब तक उसकी जांच ही गलत हो जाएगी। तो नमूना लेने की प्रक्रिया भी उस ट्रेनिंग में शामिल है, वो स्टार्ट ही वहीं से होती है कि कैसे नमूना लेना है, किस समय नमूना लेना है, खेत की मिट्टी का कैसे नमूना। एक एग्जाम्पल हम छोटा सा दे सकते हैं कि यदि आपके यहाँ समय हो कि जैसे मिट्टी फसल हट गई, फसल हटने के बाद उसमें ठूंट लगे रह जाते हैं, उन सबको भी हटाने के बाद खुरपी के माध्यम से फिर हम खेत के चार कोनों से नमूना लेते हैं जी। और नमूना लेने के बाद उसको मिलाते हैं, अच्छे से मिलाने के बाद फिर उसके चार टुकड़े करके तीन हटा देते हैं, एक टुकड़े को फिर अच्छे से मिलाते हैं, उसके बाद फिर हम चार टुकड़े करते हैं, उसके चार भाग में उसको नमूने को लेते हैं। इस तरीके से एक नमूना जो होता है वो पूरे खेत को दर्शाता है, तो ये सारा प्रशिक्षण के सब बच्चों को जाएगा, तभी वो नमूना भी ले सकेंगे और तभी वो कॉन्फिडेंस के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड जो है हमारे किसान को दे पाएंगे। बिल्कुल, कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहेंगे, देखिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम है मृदा स्वास्थ्य का, आपने देखा होगा बच्चे, चूंकि आजकल गांव-गांव में हर जगह बच्चे, आप सुबह के टाइम देखिए स्कूल जाते हैं और कंप्यूटर मोबाइल चलाना सबको आता है, तो बच्चे अपने घर के जो भी माता पिता हों, दादा दादी हों, उन सबको भी पोर्टल के माध्यम से सारी जानकारी लेकर उनको समझा सकते हैं कि हमें कब कौन सी खाद डालनी है, वो उनको एक सहभागिता शुरू से हो जाएगी कि आप कैसे कौन सी फसल लें आपको अच्छी मिलेगी, या हमारी मिट्टी का नमूना किस फसल के लिए ज़्यादा अच्छा है, या हमारे खेत में जो उपलब्ध पानी है, जल है, वो किस फसल के लिए अच्छा है। ये सब बच्चे बहुत मदद करेंगे किसान भाइयों की, क्योंकि हर बच्चा स्कूल जा रहा है देश का, तो वो ज़रूर ये सब देख सकते हैं। और ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी ये खुल जाता है पोर्टल, इतना सरलता से बना हुआ है, ये ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे डॉक्टर वंदना, जब हमारे बच्चों ने ये सब सारी चीज़ें सीख ली कि किस तरीके से सैंपल लेना है और किस तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बच्चे बना सकते हैं, तमाम जानकारियाँ यहाँ पर आपने दी, अगर हम मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करें तो आज के समय में मिट्टी की सेहत कैसी है और उसको और किस तरीके से जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि आज के समय में हम बात करें तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत अच्छा उत्पादन पाया, एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गए हम, सरप्लस हो गए, हम अनाज बांटते हैं, देश में बांटा जाता है गरीब परिवारों को, तो ये सब तभी संभव हो पाया जब हमने एक हरित क्रांति का दौर चला, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए। आज का ये इस तरह हम जैसे बच्चे देखेंगे पोर्टल में, तो उस पोर्टल को MIS खोलते उन्हें पता चल जाए कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कम हो गए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कि जो प्रमुख NPK हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, वो तो थे ही, थोड़े कम थे, लेकिन अभी माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत कम हो गए हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं। तो बच्चे आज स्कूल जाते हैं तो उन्हें सिखाया जाता है कैसे पौष्टिक भोजन लो, तो वो समझते हैं, या उनको कोई सप्लीमेंट भी दिया जाता है, फूड सप्लीमेंट भी देते हैं, तो जब वो मिट्टी की जाँच को देखेंगे और पढ़ेंगे, बताएंगे किसानों को, तो खुद भी तैयारी करेंगे, तो वो समझा पाएंगे कि जैसे हमें
हमें अपने सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारी खेत की मिट्टियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उनमें पोषक तत्व कम है, उन्हें अलग से बहुत ज़्यादा पोषक तत्व या उर्वरक या खाद देने की आवश्यकता है। तो कैसे उनको स्वस्थ रखा जाए इस विषय में वो चिंता करेंगे। और बहुत से बच्चे जो हैं आगे चल के, ये मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपना योगदान देंगे कि जो फसल कटने के बाद जो अवशेष है, जिसे पहले गाँव की महिलाएँ जो है वो चूल्हा जलाने में इस्तेमाल कर लेती थी, जैसे मक्के का टूट है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, अनाज निकालने के बाद जो बच जाता है उसका कैसे कंपोस्टिंग करें। और गाय तो हर घर में हर गांव में उपलब्ध है, तो गोबर के माध्यम से कैसे कंपोस्टिंग बनाई और अपने खेत में उसको पहुंचाएं। तो जो ये ब्लैक गोल्ड है इसको खेत में वापस लाने का काम हमारे देश के बच्चे ही आगे चल के करा पाएंगे। जी बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर वन्ना, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतनी विशेष जानकारियाँ आपने हमारे आज के विषय के संबंध में दर्शकों तक पहुँचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सरकार आपके साथ, और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगे। अगर कार्यक्रम से संबंधित आप अपने कोई प्रश्न भेजना चाहते हैं या अपने कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesaath@gmail.com। और अगर आप फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें सरकार आपके साथ, वहां पर भी आप अपने सुझाव हमें लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए खुला रहता है। वो नंबर भी आप नोट करें जो कि दिखाया जा रहा है 1800-113-060, और इस नंबर पर भी आप अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छो भारत जे मुझमा, నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో।
ना भारत ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲನಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಭಾರತ ಭಾರತ ನಿನ್ನುಳ್ಳಿ ಜಾನ್ ಶಕ್ತಿಯಾಣ ಶಕ್ತಿಯುಂಡೆನ್ನುಳ್ಳಿ ಮೈ ಭಾರತ ಭಾರತ ಸಮರ್ಮಜಾತ್ মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মোৰ ভাৰত মোৰ ভিতৰি ভাৰত মোৰ শক্তি মোৰ ভিতৰি শক্তি আমি ভোট দিম इंज भितरे रे भारत में ना इंज के दाल हर इंज भितरे रे दाल में ना हा मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में You can watch Doordarshan's national channel on 197 number on Tata Play, 148 number on Airtel, 302 number on Sun, 175 number D2H, 040 number on Hathway, 138 number on Den, 193 number on Dish TV, and 002 number on DD Free Dish. Your Majesty, ब्रिटिश कंपनी सरकार की ओर से आपके लिए फरमान है सिवा गंगाई के लोग आपके गुलाम नहीं है जो आपको लगान देंगे अंग्रेज आपकी जान लेने यहाँ आ रहे हैं आप चिन्नौर पेरिया के साथ सिवा गंगाई से तुरंत चले जाइए कहाँ है रानी वेलु नाचियार पलक झपकते ही अंग्रेजों ने रानी वेलु नाचियार का राज्य छीन लिया गोली चला जगत यह जगत जगत में एक नगर बसा जिसे है रुद्र ने रचा यही पे शिप्रा कह रही कथा युगों की कह रही शिवा की ये शिवानी का नगर है ये अवंतिका 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 सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल अरे वाह एल्मो ये चिक्की है ना हाँ पापा एल्मो ने चिक्की को हेलो बोला और दोस्ती की और सबसे मिलवाया भी चिक्की बहुत खुश हुई पापा और फिर हम सब मिलके खेले रिंगा रिंगा रोज़े हाँ और अपना स्पेशल मेढक फुदकू गेम भी खेले अच्छा हाँ ऐसे फुदक फुदक देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल